नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। श्रीनगर में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान रमेश रंजन का शव आज पटना एयरपोर्ट पहुंचा, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने शहीद के शव को कंधा दिया है और शहीद के सम्मान में भारत माता की जय के नारे लगे हैं। आपको बता दें कि कई लोग पहुंचे थे, बिहार सरकार से पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कंधा दे रहे थे, उन्होंने कंधा दिया, श्रद्धांजलि दी। बिहार के गृह सचिव आमिर सुबहानी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इसके अलावा जो सीआरपीएफ के एडीजी और आईजी हैं वो भी पहुंचे थे, पटना के डीएम कुमार रवि, पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा और तमाम अधिकारी और नेतागण मौजूद थे जिन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि दी है। तो वो तस्वीर देखिए, फिर आगे की बातचीत करेंगे। तो आज सुबह पटना पहुंचा था श्रीनगर में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान रमेश रंजन का शव और उनको श्रद्धांजलि दी गई है। देश ने अपने इस वीर सपूत को याद किया है, उनको श्रद्धांजलि दी है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने शहीद के शव को कंधा दिया है और तमाम अधिकारी और नेतागण मौजूद थे और शहीद की शहादत पर सबकी आंखें नम थी। सम्मान पूर्वक अंतिम विदाई दी गई है भारत माता के इस शहीद को, बिहार के इस सपूत को। इस खबर में इतना ही।